सितारगंज पुलिस ने चोरी किए गए ट्रक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी पहले ही जेल जा चुका है। एसपी सिटी मनोज कुमार कतियाल ने बताया कि जहावाज गर्दरपुर ने ट्रक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। एसएसपी के निर्देश पर ट्रक की बरामदगी के लिए कोतवाली प्रभारी भूपेंद्र ब्रजवाल की देखरेख में टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में 18 अक्टूबर की शाम तक हमीरपुर गांव बरेली रामपुर हाईवे किनारे दिखा। मामले में मोहम्मद हसन उर्फ मेहंदी हसन और रशीद को गिरफ्तार किया गया। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। है कंटेनर टाइप का जिसकी चोरी का मामला प्रकाश में आया था। सिडकुल क्षेत्र की घटना थी, तो क्योंकि सिडकुल में जितनी भी इंडस्ट्री लगे हैं उसको एकदम से सेफ एनवायरनमेंट देना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी एक्यूज थे उनका रोल हम लोगों ने इसमें वेरीफाई किया, तो उसके बेस पर हम लोगों ने इनकी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग की और उसी समय उससे हमने ये ट्रक भी बरामद किया। और इस ट्रक से जो पहले हमने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक की है उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जो ये मेन मुख्य अभियुक्त इसमें जो मेहंदी हसन है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और साथ में हम लोगों ने एक और एक्यूज को अरेस्ट किया उसके भी हम लोग एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बहुत ही गंभीर यह घटना थी, उतनी प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से इसको वर्कआउट किया।